वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एम एस शॉर्ट सॉल्यूशन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो सर्कुलर आया है सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 10 एंड 12 के लिए। तो LOC आ गया है 16 तारीख को, 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, तो स्कूल शुड एनश्योर स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड आर देयर ओन रेगुलर एंड बोनाफाइड स्टूडेंट्स, नो स्टूडेंट्स नेम लेफ्ट अनसोन, and students are not from any unauthorized or unaffiliated schools. Students are regularly attended classes. तो ये सब आपको ध्यान देना है। तो देखिए इसके डिटेल्स आप लोगों को, पूरा सर्कुलर आप लोग को मिल जाएगा CBSE की वेबसाइट में। तो डिटेल्स गाइडलाइंस दिया हुआ है, गाइडलाइंस में एक चीज़ देखा रहा है, देखिए फीचर्स ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। तो कैसे हम ऑनलाइन सबमिशन, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, OASIS एंड HP पोर्टल में डाटा को कंप्लीट करना है, ये फर्स्ट चीज़ आपको करना है। सेकंड चीज़, जो भी 9, 10 या 11, 12 में पढ़ा रहे हैं उनको आपको TGT या PGT में दिखना पड़ेगा यहाँ पर, और जो भी हैं उनको ऑदर्स में डाल दीजिए, क्योंकि ये जो है 9 एंड 10 जो TGT एंड PGT ये इवैल्यूएशन पर्पज के लिए ये जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है फिलिंग ऑफ OASIS के टाइम। नेक्स्ट आया है यहाँ पर, फुल नेम ऑफ द टीचर शैल बी फिल्ड। आपको जो भी OASIS में फिल कर रहा हो तो आप पूरा नेम जो टीचर के हैं उसको आपको देना है। तो न्यू स्कूल जो हैं वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन OASIS में पोर्टल में करेंगे, देयर आफ्टर दे विल सबमिट द डाटा ऑन HP पोर्टल, आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ 1 एंड 2 एक्टिविटी दे कैन सबमिट LOC डाटा। तो ये डिटेल्स पूरा लिखा गया है, तो नए स्कूल के लिए ये है। तो OASIS में पहले तो आपको क्या करना है, देखिए आपको HP पोर्टल को ओपनिंग करना है, उसके बाद आपको OASIS पोर्टल में काम करना है। ये पुराने स्कूल करिए, और नया स्कूल के लिए पहले OASIS करिए, उसके बाद HP करिए, उसके बाद आप LOC फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल दिया गया है, देखिए स्कूल्स विल बी एबल टू फाइनलाइज LOC डाटा ओनली व्हेन दे हैव फर्स्ट सबमिटेड डाटा ऑन HP पोर्टल, लिंक ऑफ HP पोर्टल इज अवेलेबल ऑन CBSE वेबसाइट में दिया गया है लिंक। तो ये पूरा गाइडलाइन दिया गया है कैसे आप नाइन जो नेम आपको दिखा रहा है नेम चेक कर सकते हैं, पहले के जो 9 में आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा ना 10 क्लास का, तो रजिस्ट्रेशन का जो भी है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसके बाद 10 में उसको ये कर सकते हैं। तो पहले मैं चलता हूँ अभी HP पोर्टल को काम करने के लिए, जे ये मेरा पुराना स्कूल है तो पहले मैं HP पोर्टल का ओपनिंग करूँगा। HP पोर्टल में लॉग इन यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको मांगेगा यहाँ पर। तो यूजर आईडी पासवर्ड जो है, तो यूजर आईडी पासवर्ड आपका वही पुराना है जो एप्लीकेशन के टाइम आपको मिला होगा, तो वही पुराना यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर आप डालेंगे। तो आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको शो करेगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड। देखिए एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, जो आपका यूजर आईडी भी है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर दीजिए, और यहाँ पर जो कैप्चा दिखा रहा है इसको एंटर कर लीजिए। ठीक है, इसको एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद एक पेज आ जाएगा OASIS का पूरा डिटेल्स, जिसमें आपको भरना है देखिए नेम ऑफ द स्पोर्ट्स और HP कोऑर्डिनेटर, जो HP या स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर है उनका नाम, मोबाइल नंबर, और जो क्लासेस हैं 9, 10, 11, 12 में कितने कितने क्लासेस हैं, तो स्टैंडर्ड 1 क्या क्या है, गेम क्या क्या है, स्टैंडर्ड 2 में देखिए स्टैंडर्ड 2 में डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज़ हेल्थ एंड फिटनेस के लिए क्या क्या हो रहा है आपका। ठीक है, डिटेल्स ऑफ सेवा स्टैंडर्ड जो दिया गया है उसमें क्या क्या कर रहे हैं, तो गेम में क्या क्या आप कर रहे हैं, तो डिटेल्स आपको पूरा देख के आपके हिसाब से फिलअप करके कन्फर्म सबमिट पर क्लिक करना है। कन्फर्म सबमिट पर जब भी क्लिक करेंगे तो ऊपर में देखिए ये HP का यहाँ पर जो देखिए यहाँ मेरा पुराना दिखा रहा है ना 1817, अब ये आ गया मेरा, हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा OASIS में, OASIS में मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। OASIS में उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको देना पड़ेगा OASIS में। तो यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर देखिए चेक करेंगे OASIS में जो डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड कैप्चा। तो इसमें आप यूजर नेम पासवर्ड में डाल दीजिए और कैप्चा को एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अगर पुराना स्कूल है तो अभी OASIS में
पूरा कंप्लीटेड डाटा होगा, क्योंकि पुराने स्कूल में सभी चीज़ कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे स्कूल में जो भी है पूरा कंप्लीट दिखा रहा है, सभी जो भी है यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा है। तो कंप्लीट होने के बाद आपको क्या चेंज करना है, देखिए फैकल्टी डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, ये दोनों तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, और लास्ट में स्टाफ डिटेल्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, देखिए आपको स्टाफ डिटेल्स में क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। स्टाफ डिटेल्स में यहाँ पर कुछ एंटर करना है, अगर स्टाफ नया चीज़ है यहाँ पर कोई आपका आया है या फिर किसको डिलीट करना है, यहाँ पर स्टाफ डिटेल्स में आप कर सकते हैं। उनका टीचर आईडी या सब कुछ दे के, पीजीटी है, टीजीटी है, सब कुछ दे के, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ पर क्लिक करना है। अगर मैं ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए ये पूरा डाटा आ जाता है। तो इस पर आपको देना है, सभी चीज़ भरना है, और कौन से क्लास में ये पढ़ा रहे हैं उसको देना है, सेकेंडरी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स में आपको ट्रेंड ग्रेजुएट या फिर स्कूल पे अकाउंट नंबर डिटेल्स, ये सब आपको भर के यहाँ पर सबमिट कर देना है फॉर द इवोल्यूशन पर्पज। नेक्स्ट फाइनल रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं भी, फाइनल रिपोर्ट में आप क्या क्या डाटा है यहाँ पर, फाइनल रिपोर्ट में यहाँ पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं क्या डाटा है क्या है। तो इसमें से अगर कुछ अपडेट करना है आपको तो आप उसी सेक्शन में आपको अपडेट करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा डाटा मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए बेसिक डिटेल्स, यहाँ पर स्कूल का डिटेल्स ये दिखा रहा है सभी जो स्टेप वन में था, ठीक है। बेसिक डिटेल्स में यहाँ देन यहाँ पर उसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो देखिए ये पूरा डाटा यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट ओके, देन यहाँ पर चेक करेंगे, नेक्स्ट वाले पर जाएंगे, अगर कुछ को चेंज करना है, देखिए कि डाटा यहाँ पर बेसिक डिटेल्स में ये चेंज करना है मुझे, व्यू करके भी देख सकते हैं, कोई आपको जो पुराने कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे यहाँ पर तो उसको भी अपडेट आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली जाके जैसे कि बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट है या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, ये सब आपका ख़त्म हो चुका होगा तो उसको फिर से अपडेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो पूरा डिटेल्स यहाँ पर देना है, नेक्स्ट आपको ई परीक्षा पर जाना है, ठीक है। ई परीक्षा एक वेबसाइट है जिसमें आप LOC के लिए देखा गया है दिल के, तो कंटिन्यू टू लॉगिन में यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो लॉगिन के क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाएगा रजिस्टर करने के लिए स्कूल को, जो अभी आप फास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको रजिस्टर स्कूल पर ही क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद आप सबमिशन ऑफ LOC पर जाएंगे, तो फास्ट आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यूजर आईडी, एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर आपको पासवर्ड यहाँ पर, यूजर आईडी देखिए, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर पुट करना है, और पासवर्ड जैसे कि आपका स्कूल में होगा पासवर्ड, और सिक्योरिटी पिन यहाँ पर जो नीचे वाला दिया गया है कैप्चा उसको बोलते हैं, तो उस पर आपको करके एंटर करना है, ठीक है। तो एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं लॉगिन कर लूँगा, लॉगिन करने के बाद ये डिटेल्स आपको शो करेगा रजिस्टर करने के लिए। जे देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ लॉगिन, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मेरा इनवैलिड क्रेडेंशियल लिख रहा है, और एक बार मैं चूज कर रहा हूँ, ठीक है। यूजर आईडी शायद मैंने गलत भर दिया होगा, तो यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट सिक्योरिटी पिन, ओके उसके बाद मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ओके लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो करेगा आपका रजिस्ट्रेशन स्कूल के लिए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं लॉगिन यहाँ पर आ गया होगा, लॉगिन चेक करेंगे, लॉगिन होने के बाद यहाँ पर एक डिटेल्स आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या शो करेगा देख लीजिए। तो लॉगिन के बाद यहाँ पर ये डिटेल्स आ रहा है, देखिए। तो लोकेशन ऑफ स्कूल आप रूरल अर्बन चूज कर सकते हैं, देन योर स्कूल विल बी समर बाउंड या विंटर बाउंड दे सकते हैं, प्रिंसिपल नेम दे रहे हैं, और एक्सपीरियंस ऑफ प्रिंसिपल दे रहे हैं, प्रिंसिपल का फ़ोन नंबर, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर, स्कूल का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दे सकते हैं, स्कूल का वेबसाइट जो है, आपके स्कूल का URL जो है उसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करेंगे, और देन वेबसाइट में CBSE सर्कुलर के हिसाब से आपका दिया गया है या नहीं उसको करेंगे। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट, हमारे जो स्कूल के वेबसाइट्स हैं तो उसको मैं कॉपी करूँगा, तो कॉपी करके उसको वहाँ पर पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं ओपन कर रहा हूँ उसी वेबसाइट को, हमारे जो स्कूल के वेबसाइट्स हैं,
स्कूल का वेबसाइट और URL अभी ओपन हो रहा है। तो ओपन करने के बाद ये डिटेल्स आ रहा है, ये मेरा स्कूल के वेबसाइट से यहाँ पर। तो जो URL आएगा एड्रेस बार पर, इसको हम क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद उसको हम पेस्ट कर लेंगे जो CBSE की वेबसाइट में दिया गया है, ठीक है। तो CBSE के वेबसाइट में यहाँ पर मैं कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप CBSE सर्कुलर को यस करेंगे। नेम ऑफ द पर्सन, जो पर्सन CBSE के लिए यहाँ पर कर रहा है काम, उसका नाम यहाँ पर देंगे और डेजिग्नेशन देंगे। उसके बाद जो इंचार्ज काम कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिट करेंगे। और नीचे वाले हिस्से में दिया गया है, देखिए, नंबर ऑफ सेक्शन इन क्लास 9 और कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया है। अगर किसी का ये 0 दिखा रहा है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सिंपली एक रीजनल ऑफिस, जो उनका मेल गूगल से भी मिल जाएगा, अपने रीजनल ऑफिस का जो ईमेल आईडी, उन पे आप मेल कर दीजिए कि स्क्रीन शॉट के साथ कि ये मेरा प्रॉब्लम है। वो क्वेरी आप भेज देंगे, वो आपके 24 आवर में वे कंप्लीट करके ये दे देंगे थे, ठीक है। तो ये 2 दिखा रहा है और चेंज पासवर्ड पर ऑप्शन आएगा, क्योंकि हर साल ये पासवर्ड चेंज करने के लिए ही बोल रहे हैं। तो पासवर्ड चेंज यहाँ पर मैं कर लूँगा। पासवर्ड चेंज करने के बाद यहाँ पर मैं रजिस्टर पर क्लिक कर लूँगा, ठीक है। रजिस्टर होने के बाद तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको लॉगिन के लिए। देखिए, ये वेब सक्सेसफुली रजिस्टर लिख रहा है और अभी मैं लॉगिन करूंगा, रजिस्टर नहीं करूंगा। रजिस्टर मेरा हो गया है कंप्लीट, अभी मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यूज़र आईडी तो पुराना है, पासवर्ड मैंने चेंज किया लिया, यहाँ पर चेंज करके दिया हुआ हूँ। तो पासवर्ड मेरे हिसाब से जो चेंज हुआ है उसी को यहाँ पर देंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा है उसको एंटर कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को प्रोसेस जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस किया है ध्यान से देखिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे सिंपली आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लॉगिन करने के बाद देखिए LOC यहाँ पर, तो पहले चेकलिस्ट, फाइनलाइज पेमेंट, रिपोर्ट एंड लॉगआउट ऑप्शन दिया गया है। तो पहले मुझे चेकलिस्ट पर जाना है, जो 9 क्लास का मैंने रजिस्ट्रेशन के समय जो भरा था उनका डिटेल मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ क्या डिटेल्स है। अगर उसमें कोई करेक्शन है तो यहाँ पर मैं कर लूँगा, ठीक है। तो पहले मैं उसको यहाँ पर प्रिंट कर लूँगा ताकि मैं स्टूडेंट को ये दिखा सकूँ और उनसे पूछ सकूँ कि ये इसमें जो डाटा है कोई करेक्शन करना चाहता है। अगर कोई करेक्शन करना चाहता है तो सफिशियंट प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ या नेम चेंज कर रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगा, ठीक है। अगर अगर और कुछ चेंजेस हो रहा है तो आप उसमें से कोई जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आप चेंज करके रख सकते हैं अपने एडमिशन रजिस्टर से हिसाब से, ठीक है। एडमिशन रजिस्टर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट में अगर कोई डाटा है तो उसमें यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। तो उसको मैं प्रिंट करके रख लूँगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर जो है अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो चेंजेस आप कर लेंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, सेटिंग कर ले, देखिए सेटिंग तो मिनिमम जो मार्जिन यहाँ पर है तो उस सभी मार्जिन को 0.25 में रखेंगे और लैंडस्केप मोड में उसको प्रिंट करेंगे ताकि आपको जो CBSE में जो डाटा है वो सही तरह से प्रिंट आउट हो सकें। तो मार्जिन के लिए 0.25 सभी मार्जिन प्लेसेस में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन यहाँ पर भी दिखा रहा है तो वो उसमें कोई ये नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा देखिए 0.42 है, 0.15 है, तो इस सभी को मैं 0.25 में सेटअप कर रहा हूँ। 0.25 में सेटअप करने के बाद ये पूरा डिटेल्स मेरा जो पेज है उसमें ठीक से सही तरह से लेआउट होके आ जाएगा, ठीक है। ओके, और इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि इसके बाद देखिए ये जो जो भर रहे हैं इसको, प्रिंसिपल हो या फिर जो इंचार्ज पर्सन है, वो ध्यान देना चाहिए ठीक से कि बच्चे का ये फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। अगर इसके बाद बच्चे का कोई डिटेल्स चेंज नहीं होगा तो आप जो भी कर रहे हैं पूरा ध्यान से करिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए सभी को, आप पेरेंट कंसल्ट भी करिए। पेरेंट कंसल्ट करके जो डाटा सही है या नहीं है उसको भी चेक कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये पूरा प्रोसेस होने के
बाद भी आपके पास एक चेकलिस्ट आएगा, उस पर भी आपको सिग्नेचर करना चाहिए। बच्चे और जो पेरेंट्स हैं उनका सिग्नेचर भी ले लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर कोई आके कहेगा कि ये मेरा डाटा था, आपने ऐसे कर दिया स्कूल के प्रति, तो ये भी आपको पूरा सही तरह से करना है फिलअप, ठीक है, और पेरेंट का कंसर्ट लेके ही करना है। तो इसमें से ये फिलअप करने के बाद देखिए, ये डाटा तो आप चेंज करेंगे, और एक यहाँ पर चीज़ आ रहा है, और एक चीज़ आ रहा है जैसे कि थर्ड लैंग्वेज आपको देना है। थर्ड लैंग्वेज जैसे कि हमने फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज तो जानते हैं, थर्ड लैंग्वेज आप 8 क्लास में जब भी तक पढ़े हैं, 8 क्लास, क्लास 8 तक जो भी आपने पढ़ा है थर्ड लैंग्वेज, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, उड़िया हो, जैसे कि आपके रीजनल लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से, उसको आप दे सकते हैं। तो ईयर ऑफ पासिंग 8 क्लास के जो पासिंग ईयर है वहाँ पर दे सकते हैं, उसके बाद ये वाला फिलअप कर सकते हैं थर्ड लैंग्वेज के लिए। और एक चीज़ यहाँ पर बुक माइग्रेशन का ऑप्शन आता है, देखिए इसमें बुक माइग्रेशन ऑप्शन आता है। माइग्रेशन की चीज़ हर एक बच्चे का ज़रूरत नहीं है, अगर कोई बच्चा पहले से ही ये है कि मैं CBSE में पढ़ूंगा तो माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा CBSE से रीजनल जो बोर्ड में जाना चाहता है या कि ICSE में जाना चाहता है, तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, जो अभी आपको सिलेक्ट करना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो एड और मॉडिफाई, देखिए ये सारा ऑप्शन दिया गया है, अपलोड फोटो, अपडेट फोटो, बक माइग्रेशन, बक थर्ड लैंग्वेज, ये सब दिया गया है। तो थर्ड लैंग्वेज भी आप अपडेट करेंगे, माइग्रेशन अपडेट करेंगे, फोटो किसी का नाम अगर चेंज कर रहे हैं तो उसी का फोटो आप चेंज करेंगे, ठीक है। अगर फोटो तो 9 क्लास में दिया होगा, अगर कोई किसी का डाटा आप चेंज कर रहे हैं इसी वक्त, तो उसी हिसाब से आपको फोटो में नेम चेंज करके देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको, देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर कॉरेक्शन के लिए यहाँ पर दे रहा है। तो आप सीरियली चेंज, जो सीरियल नंबर आप LOC में प्रिंट कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से आप सीरियली चेक कर सकते हैं। देखिए ये 3 डिजिट नहीं दे रहा है, ठीक है, इसके 5 डिजिट है। तो यहाँ पर मैं 0 जो 4 0 दे के यहाँ पर मैं करूँगा तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 0 में भी से नहीं आया, तो 4 0 अगर मैं यहाँ पर कर लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक का सीरियल नंबर चेक कर लूँगा, सीरियल नंबर चेक करके यहाँ पर प्रिंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये देखिए, और न्यू रिकॉर्ड, अगर किसी का रिकॉर्ड आप नया करना चाहते हैं, न्यू रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। ए ट्रांसफ़र विद इन CBSE, CBSE से कोई बच्चा ट्रांसफ़र होकर आया हुआ है उसको भी ऐड यहाँ पर कर सकते हैं, थ्रो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ 9 क्लास। और ये डाटा देखिए, इस डाटा को आपको मैनेज करना है, इसमें से कोई चेंज कर सकते हैं, इतनी ही डाटा आपको चेंजेस या मॉडिफाई करने के लिए दिया गया है। जैसे कि आपको देखिए ईयर ऑफ पासिंग थर्ड लैंग्वेज दिया गया है, थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, सीरियल नंबर एडमिशन, सीरियल नंबर एडमिशन डेट दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ दे रहा है, इनकम दे रहे हैं, सब्जेक्ट चूज करने के लिए भी ऑप्शन दे रहा है, आधार नंबर दे रहा है। आधार नंबर देखिए, आधार नंबर इस वक्त पूरा मायने रखता है, क्योंकि उनका जो सर्टिफिकेट्स आ रहा है वो डिजी लॉकर में ही आ रहा है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो या फिर मार्कशीट आ रहा हो, तो वो सभी के लिए आधार नंबर ज़रूरी है, ठीक है। तो आधार नंबर ठीक से दीजिए, नहीं तो नहीं आएगा, तो आधार नंबर आप करेक्ट करके ही दीजिए उन सभी में, तो इसको आप रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए पूरा डिटेल्स आ जाएगा, उसके बाद आप ये सब करने के बाद आप फाइनल LOC में जाएंगे, ठीक है। इसमें तो ये पूरा डिटेल्स आप भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरा ये प्रोसेस में अपडेट रिकॉर्ड करेंगे। अपडेट रिकॉर्ड होने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली रिकॉर्ड अपडेटेड भी आ जाएगा, ठीक है। और देखिए ये रीजनरेट चेकलिस्ट लिखा रहा है, तो आप इसी को पूरा डिटेल्स में चेक करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।